नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। और हमारे साथ पशु वैज्ञानिक हैं डॉक्टर देव नारायण सिंह जी। और आज हम समझेंगे कि संकर नस्ल की जो गाय होती हैं उनको आखिर एक आम चाल की बोल भाषा में क्या कहा जाता है, आज के समय में इसकी कितनी मांग है, और आज के लोग जो पशुपालक अगर पशुपालन के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं हमारे नए साथी, तो संकर नस्ल के जो गाय हैं उनका पालन करेंगे तो उनको कितना फ़ायदा होगा और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये सब कुछ आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और ये पूरी जानकारी हम डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करेंगे। सर, संकर नस्ल एक आम चाल में लोगों को लगता है कि एक तरह का एक वो है, कोई नस्ल है गाय का, एक प्रजाति टाइप का है, वही है या कुछ और है? नहीं, ऐसा नहीं है। संकर नाम से ही लग रहा है कि मतलब दो प्रजातियों का जो है आपस में संकरण कराने के बाद जो है जो नस्ल उत्पन्न होती है उसको हम संकर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसको क्रॉस ब्रीड एनिमल्स कहते हैं। क्रॉस ब्रीड कुछ लोग कभी आज भी कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि मेरे से बात कई लोग पूछते हैं, संकर नस्ल का तो कहते हैं नहीं, संकर नस्ल जो है या दो नस्लों का है। विशेष रूप से जो है हमारी जो विदेशी गौवंश है या किसी दो प्रजातियों के बीच आपस में क्रॉस करके प्रजनन करा के जो संतान उत्पन्न होती है उसको हम संकर के नाम से जानते हैं। प्रमुख रूप से यदि हम गौवंश की अभी बात करें तो अभी जो हमारे पास जो है संकर नस्ल की गायें आपको दिख रही होंगी जी सर, या होलिस्टीन फ्रीजियन और हमारी जो यहाँ की देसी गौवंश है उससे हम क्रॉस करा के जो है इसको जो है पैदा किए हुए हैं। इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी जो विदेशी गौवंश है यहाँ के वातावरण में जो है अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाती, तो इसीलिए जो है हम क्रॉस कराते हैं जिससे कि जो है यहाँ के भी वातावरण में जो है अपने आप को अडॉप्ट कर ले जाए, अनुकूलित कर ले जाए, और जो इसकी जो है ग्रोथ रेट है, दूध उत्पादन की क्षमता है, प्रजनन की क्षमता है, उसमें जो है अपना जो है अच्छा परिणाम जो है मिले। क्या स्थिति है जब फ्यूचर इसका क्या देखा जा रहा है आज के समय में सर, क्या हाँ देखा? देखिए, इसके पहले यदि हम 10 साल पहले की बात करें तो हमारे देश में जो है क्रॉस ब्रीडिंग पे काफ़ी जो है सरकार ने जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस दिया था। कारण ये था कि हमारे देश में जो है दूध का उत्पादन बहुत कम था। आज़ादी के समय करीब जो है 51 लाख लीटर जो है केवल दूध उत्पादन हो रहा था, तो हमारे आज जो है करीब जो है 234 मिलियन टन जो है दूध उत्पादन हो रहा है। तो यह संकरण इसलिए कराया गया, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम को इसलिए बढ़ावा दिया गया जिससे कि आम जनमानस को भी जो है दूध की उपलब्धता हो सके, क्योंकि दूध अपने आप में जो है एक पूर्ण आहार है और इससे जो है हमारे जो बच्चों का जो विकास है वह पूर्णकालिक होता है और दीर्घकालिक होता है, उनमें जो है किसी भी तरह की जो न्यूट्रिएंट्स की का अभाव होता है वो उसका जो है विकार नहीं होगा और जो बच्चा है या मानव है वह पूर्णतया स्वस्थ होगा। तो सर इसका क्या रहेगा, अभी भी क्या इसका पालन किया जा सकता है? कुछ अब हमारे पशुपालक जो नए आ रहे हैं या जो सोच रहे करें उनके लिए क्या सुझाव देंगे? देखिए, अभी वर्तमान समय में क्या है, जो संकर नस्ल की गाय रखने में थोड़ी सी दूध उत्पादन तो काफ़ी अच्छा है इनका, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इनके दूध में जो है लैक्टोज की मात्रा जो होती है जिसकी वजह से मिठास होती है और फैट की जो मात्रा होती है काफ़ी कम होती है, और इसी कारण से जो है हमारे आम लोगों में जो है इसके जो दूध की जो वैल्यू है वो कम है, मतलब मांग भी कम है इसकी, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है हम देसी गौवंश का या जो भैंस के दूध की जो है डिमांड करते हैं। कारण ये है कि भैंस के दूध में भी लैक्टोज की जो मात्रा होती है ज़्यादा होती है, फैट भी ज़्यादा होता है, और देसी जो गौवंश है हमारी जैसे साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिर है, इसके दूध में वसा की मात्रा 4.5% और जो लैक्टोज की मात्रा है करीब 5% तक होती है, जबकि हमारी जो जितनी भी संकर नस्ल की गायें हैं उसमें लैक्टोज की मात्रा 3 से 3.5% तक होती है और फैट भी कम होता है। तो इस कारण जो है थोड़ा सा झुकाव दूध के खपत के हिसाब से देखें तो जो है विदेशी गाय के दूध को कम लोग लाइक करते हैं देसी गाय के कंपैरिजन में। तो मतलब आपका सीधा सा कहना है कि जो पशुपालक हैं इसको भी रखें, लेकिन देसी नस्ल के जो हमारी गायें हैं
हाँ, उनको थोड़ा सा ज्यादा उनको रखे तभी जाके अच्छा खासा ताल। क्योंकि क्या है कि जितना ही जो संकर नस्ल की जो गाय है यदि उसमें देसी गाय के लक्षण ज्यादा होंगे तो वह अपने आप को अनुकूलित कर लेगी जो है वर्तमान परिवेश में या किसी भी जो है वातावरणीय जो परिवर्तन हो रहा है अपने आप को अडाप्ट करने की क्षमता होगी उसमें, और जो उसकी जो दूध की गुणवत्ता है वह जो है बनी रहेगी, प्रजनन विकार नहीं आएंगे। इसके कुछ आंकड़े अभी हैं क्या, सरकारी आंकड़े कि कितने देसी नस्ल की गाय अवेलेबल हैं भारत में भी है, ऐसा कुछ है? हाँ, संकर नस्ल की गायों का जो है तो इसका भी जो है जनगणना में हम लोग जो है पूरा जो है भारत सरकार कराती है, लेकिन उसमें अभी देखा जाए तो जो संकर नस्ल की गायें हैं देसी गौवंश की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए जो है भारत सरकार थोड़ा इस समय जो है जो अपनी देसी गौवंश के संरक्षण संवर्धन पे काफ़ी प्रयास कर रही है, और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो योजना है वह इसी कारण जो है इस योजना को कार्यान्वित किया गया कि जिससे कि हमारी जो देसी गौवंश है उसके संरक्षण संवर्धन और फैलाव को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि विदेशी गौवंश के साथ समस्या यही है कि दूध उत्पादन तो ज़्यादा करती हैं लेकिन जो प्रजनन विकार जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जो है जो इसमें जो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी से जो है अधिकतर जो गायें हैं वो प्रभावित होती हैं, तो इसलिए जो है समय पे जो है गर्भित नहीं हो पाती और विभिन्न तरह की जो है जो बीमारियां हैं जैसे किलनी का भी प्रकोप जो है इनमें बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनकी चमड़ी काफ़ी पतली होती है, तो थाइलेरिया जैसी जो बीमारियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा होगी, थनैला भी है अभी मतलब बहुत ज़्यादा, चूँकि जितने अधिक दूध देने वाली जो गायें हैं या भैंस की नस्लें हैं उनमें थनैला का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा तो इस तरह की समस्याएं जो है हमारी विदेशी गायों में है। सवाल सर, जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ, जलवायु में अचानक बदलाव हो रहे पिछले 7-8 सालों में या मुख्यतः 3-4 सालों में देखें पूरी तरह से चेंज हो रहा है पूरा, तो उस स्थितियों में इनका पालन पोषण कितना बड़ा चैलेंज हो जाएगा संकर नस्ल की गायों का? संकर नस्ल की गायों का निसंदेह पालन पोषण करना वर्तमान जो जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी कठिन है, तो इसलिए जो है हमें जो है पूर्णतया जो है हमें पहले से जो है उचित प्रबंधन जो है करके रखना पड़ेगा। जैसे गर्मी का समय है तो आपको जो है पर्दे लगा के रखने पड़ेंगे, पंखे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, रबर मैट नीचे लगाना पड़ेगा, और जो खान पान है उसमें भी जो है हमें जो है जो हरे चारे की मात्रा, सूखे भूसे की मात्रा और दाने की जो है उचित मात्रा जो है सदैव देनी होगी, जिससे कि जो है पशु पे जो है कोई भी जो जलवायु परिवर्तन का जो है नकारात्मक जो प्रभाव है कम से कम हो। देसी वगैरह रहेगा तो उस पर कम पड़ेगा? हाँ, देसी पे निस्संदेह कम पड़ेगा क्योंकि देसी हमारे यहाँ के वातावरणीय परिवर्तन को जो है झेलने में काफ़ी हद तक सक्षम है। यदि आप देखें तो हमारे देसी और विदेशी गौवंश में प्रमुख लक्षण ये है, गले के नीचे का जो गल कंबल दिख रहा होगा आपको, तो गल कंबल जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है हमारी देसी गौवंश में। इसका फायदा क्या होता है गल कंबल? इस गल कंबल में जो है पसीने की ग्रंथियां सर्वाधिक मात्रा में होती हैं जिससे कि वह अपने तापक्रम को जो है मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी लाभदायक होता है, जबकि हमारी जो संकर नस्ल की गायें हैं इसमें जो है यह गल कंबल जो है कम विकसित होता है, जिसके कारण जो है यह जो है अपनी जो शरीर हाँ ठंडी भी ज़्यादा नहीं कर, ठंडी का भी हो जाता है इनका? देखिए ठंडी के लिए क्या है कि जो विदेशी गायें हैं या संकर नस्ल की गायें हैं इनके जो बाल होते हैं थोड़े बड़े होते हैं, तो बड़े होने की वजह से क्या होता है इनके जो एयर जो है ट्रैप कर जाती है, तो जिससे कि जो है इंसुलेटर का काम करती है जिससे कि ठंडी को तो अडाप्ट कर ले जाती हैं लेकिन गर्मी को नहीं कर पाती। भैंसें जो है हमारी काफ़ी अधिक प्रभावित होती हैं क्योंकि उनमें गलकंबल होता ही नहीं और शरीर के रंग का रंग भी काला होता है, इसके चलते जो है गर्मी से ज़्यादा प्रभावित होती हैं। जी हाँ, तो अब जो क्रॉस ब्रीड करके यानी जो संकर नस्ल की गाय हैं उनका जिस तरह से जलवायु में बदलाव हो रहे हैं उसके अनुसार डॉक्टरों तमाम लोगों का कहना है कि आने वाले समय में संकर नस्ल की गाय का पालन पोषण में थोड़ी सी और कठिनाइयाँ पशुपालकों को हो सकती हैं, साथ ही साथ उन पशुओं को भी होंगी। जिस तरह से हीट वेव का असर देख रहा है, मौसम में लगातार बदलाव होते हैं, कभी ठंडी तो कभी ज़्यादा गर्मी तो कभी अचानक बारिश, तो इस जो लक्षण हैं कहीं ना कहीं जो जलवायु में बदलाव हो रहे हैं पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद
आप तमाम जो हमारे पशुपालक भाई हैं या जो सोच रहे हैं पशुपालन करने की क्षेत्रों की ओर कदम रखने के लिए, अब उनको फिर से उस देसी नस्ल की ओर आने की ज़रूरत है और इसको लेकर सरकार की कई योजनाएँ कार्य कर रही हैं, इसमें से बिहार सरकार भी अपने स्तर पर काम कर रही है, वहीं भारत सरकार भी अपने स्तर पर काम कर रही है। तो अगर और भी जो चीज़ें आपको चाहिए, जानकारियाँ चाहिए आज के समय में, अगर पशुपालन के क्षेत्र में आप कदम रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा विशेष अध्ययन कर लेने की ज़रूरत होगी, प्रशिक्षण लेने की ज़रूरत होगी। साथ ही साथ जो पशुपालन से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं, जैसे आप पटना वेटनरी कॉलेज हमारा है, आप वहाँ पर अगर आसपास पटना आते हैं तो वहाँ देख लीजिए, या आसपास जो पशु जिला स्तर के जो पशु चिकित्सक हैं उनसे भी संपर्क करिए और जानकारियाँ हासिल करिए, उसके बाद ही आप पशुपालन के क्षेत्र की ओर कदम रखिए। और विशेष तौर से संकर नस्ल की अगर गाय का पालन पोषण कर रहे हैं, उसे कमाई करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मौसम बदल रहा है और इसके साथ काफ़ी चुनौतियाँ और कई तरह की समस्याएँ भी सामने आ रही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और साथ ही साथ अगर आपके भी संकर नस्ल की गाय है और कोई समस्याएं कट आ रही हैं या कोई अलग कुछ उनमें दिख रहा है आपको एक्टिविटी, तो आप हमें बताइए, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, ताकि हम उस सवाल को डॉक्टर साहब से पूछें और उसका हल जवाब हासिल कर सके और वो जानकारी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर सके। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खेती और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक।